पौने दो साल ऑन यूट्यूब, 680,000 एज ऑफ टुडे सब्सक्राइबर काउंट और तकरीबन 202 वीडियोस, बट यूट्यूब चैनल तकरीबन 30 लाख रुपए के लॉस में। तो कल जब मैंने अपनी वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने आपको अपनी लाइफ स्टोरी बताई कि कैसे मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, मेरा बैकग्राउंड क्या था, क्या मैं बिज़नेस करता था, उसको छोड़ के फिर क्यों यूट्यूब में आया, तो मेरे सबसे ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा कि यार यूट्यूब भी तो पैसे देता है, हाउ कम योर चैनल आफ्टर सो मेनी वीडियोज़ इज़ इन अ लॉस ऑफ 30 लाख। तो क्यों है, किस वजह से है, मैंने क्या क्या किया जो अगर आप अवॉइड करें तो आपको कोई लॉस नहीं होगा इफ़ यू विश टू परस्यू दिस एज अ करियर, ये होने वाली है आज की वीडियो। तो जरा डिस्कस किया जाए कि 30 लाख आखिर गवाए कैसे। कल मैंने सोचा था कि बेसिकली यहाँ पे जो फायर प्लेस बना हुआ है इसके अंदर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करी थी कि आग जलाऊंगा, मगर पड़ गई आज बारिश तो वो तो काम हो नहीं पाया जबकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और यही होता है जी किसी भी ट्रैवल ब्लॉगर या फिर लाइफस्टाइल ब्लॉगर के साथ, जिसने अगर जो है कोई सिटी प्लान करी हो, उसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ दिनों और उन दिनों में से एक दिन या दो दिन पड़ जाए बारिश तो वो क्या शूट करेगा अपने कैमरे लेके और क्या दिखाएगा आप लोगों को। ऐसे ही प्लान्स चेंज होते हैं, ऐसे ही कॉस्ट बढ़ जाती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खर्चे ऐड कर देती हैं जो कि लोगों को समझ नहीं आते व्लॉगिंग में। बट मैं शुरुआत करता हूँ मेरे सबसे बड़े खर्चों से जो कि मैंने किए हैं और फिर बात करते हैं पोटेंशियल रेवेन्यू की जो कि आ सकता है भाई कि इतने साल और इतने व्यूज़ में। थोड़े से मेट्रिक्स की बात करते हैं कि 50 मिलियन व्यूज़ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कैसे कर सकते हैं, मैंने कैसे नहीं किए और कैसे चैनल के नुकसान में। चाहे ऑस्ट्रिया के हॉल स्टार्ट के सिर्फ 2 टॉप डाउन शॉट्स लेने के लिए ली गई ट्रॉली टिकट का खर्चा हो, या फिर बुडापेस्ट की हिस्टोरिक लोकेशन शूट करने के लिए एक्सपेंसिव गियर, या फिर बवेरियन एल्प्स तक पहुंचने के लिए रेंट की गई गाड़ी का खर्चा हो, या फिर थाईलैंड के होटल रूम्स के किराए और उनकी बालकनी से उड़ाए जाने वाले ड्रोन की कीमत, या हो प्रीमियम हाई कॉन्फ़िगरेशन एडिटिंग सेटअप और ट्रिप्स पर मेरे खाने के खर्चे, यूट्यूबर्स की अप्रोक्सीमेट कमाइयों के स्टैट्स और मेरे खर्चों के हिसाब लेकर हाजिर, मैं हूं ट्रैवलिंग देसी। ओके जी, तो ये जो फिनोमिना आपको दिख रहा है ना बेसिकली मेरे पीछे होता हुआ, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मगर बताना बड़ा जरूरी है क्योंकि सुंदर बहुत है ये। इसको कहते हैं जी फ्रीजिंग रेन, ये बारिश नहीं है, ये स्नो के छोटे छोटे कतरे हैं जो बारिश की तरह पड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पे आते हैं, आप मेरे को दिख रहे हैं, ये बूंद नहीं है, ये बर्फ है, ये आएगी और यहाँ पड़ते ही जम जाती है, जमती नहीं सॉरी पिघल जाती है, माफ कीजिएगा ठंड में इधर उधर निकल जाता हूँ। खैर अब बात कर लेते हैं थोड़े से नंबर्स की, तो ये समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मैं ऐसे इसलिए हूँ फिलहाल क्योंकि ना ये टोपी वाटरप्रूफ है, अंदर वाली नहीं है, गीली नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि अभी फ़िलहाल मेरे चैनल पे जैसे व्यू है 50 मिलियन, और लोग क्या कहते हैं 1 मिलियन व्यू पे कितने पैसे मिलते हैं, लोगों का अक्सर यही क्वेश्चन होता है ना। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, एक्चुअली इसका सिंपल सा आंसर है ही, ये कई तरह के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपके व्यूज़ जो हैं वो कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपके व्यूज़ यूएसए या यूरोप की कंट्री से आ रहे हैं आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, मगर आ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इन कंट्री से तो पैसे तकरीबन 5 गुना कम हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये व्यू से कुछ नहीं होता, वॉच टाइम कि मेरी अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ, मान लो वो 10 मिनट की है, तो लोग अगर उसको पूरे 10 मिनट देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है बीच में 2 ऐड आ जाएँ तो कम से कम मेरी 2 ऐड दिखी, मगर लोग बोर हो गए या फटाफट आगे निकल गए तो सिर्फ 1 ही ऐड आएगी जो शुरू में आ रही थी। तो इसीलिए जो है ये ओवरऑल बताना बड़ा मुश्किल है, मगर एवरेज अगर लगाएं तो एवरेज लग सकती है जी। आप ये मान लीजिए 1 मिलियन व्यू की कोई, वैसे तो रेंज 200 से 2000 के बीच में जाती है, बट आप 500 समझ लीजिए या 600 समझ लीजिए या 700, बहुत ही एनी गुड डे $700 लेट्स से 1 मिलियन व्यू। तो आज मैं हिसाब लगाऊं अगर 500 से 700 के बीच में, तो तकरीबन आप ये मान लीजिए 50 मिलियन व्यूज हैं मेरे चैनल के। और अगर आप चाहें तो socialblade.com नाम की इस वेबसाइट पर आप सारे स्टैट्स चेक कर सकते हैं, जिसमें कि आप चाहें तो किसी भी यूट्यूबर को सर्च करके उसके डेली स्टैट्स देख सकते हैं।
बट हम फिलहाल बात कर रहे हैं मेरे चैनल की, जिस पर 203 वीडियोस, 6,87,000 सब्सक्राइबर्स और 51 मिलियन व्यूज हैं, जो कि मैंने पौने 2 साल में इकट्ठे किए हैं। और यहाँ दिखते हैं सारे हिस्टोरिक स्टैट्स और एस्टिमेटेड रेवेन्यू की रेंज, जो $2,000 से लेके $30,000 पर मंथ तक जाती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स विच आई हैव शेयर्ड बिफोर। और थोड़ी सी आगे आएंगे तो डे बाय डे हर दिन के सब्सक्राइबर गेन, डेली नंबर ऑफ व्यूज और उस दिन की अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू रेंज चेक कर सकते हैं। बट इंडिया के केस में एक एवरेज व्लॉगर जिसका वॉच टाइम अराउंड 50% के आसपास ही आता है, उसका रेवेन्यू मिनिमम फिगर्स के पास ही रहता है। बट आजकल क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन है तो ये और भी लो है, और डॉलर का रेट 70 के करीब था, बट अभी ये पैंडेमिक के चक्कर में अराउंड 75 तक पहुंच गया है। ये भी मान लेंगे आप द बेस्ट पॉसिबल फिगर, तो भी 25 लाख रुपए होते हैं, और ये एक्वायर करने में मेरे को लग गए हैं 2 साल। बट अब इन 25 लाख के जो आपको ये समझना ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ जो इसमें से निकलेगी वो है इक्विपमेंट, यानी कि जो मेरा कैमरा गेयर है, जो मेरे स्टेबलाइजर्स हैं, किम्बल्स हैं, ड्रोन्स हैं, जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठे किए हैं बीइंग अ क्वालिटी फ्रीक, वही तकरीबन 13.5-14 लाख के आसपास है। एडिटिंग का गेयर, स्क्रीन, पावरफुल मशीन्स, वीडियोस को ज़बरदस्त तरीके से एडिट करने के लिए, वही इतने ज़्यादा लग जाते हैं। तो ये तो पहला वो खर्चा है जो बहुत बेसिक फंडामेंट, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रैवल ब्लॉगिंग इनके साथ नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी पहली 2 सबसे सक्सेसफुल सीरीज स्कैंडिनेविया और स्विट्जरलैंड, जो मैं बार बार बताता हूँ, वो सिर्फ एक G7X कैमरा 70,000, सिर्फ एक iPhone 7 तकरीबन 60-70 हज़ार, और एक DJI Osmo Mobile 2 11-12 हज़ार, इन 3 चीज़ों से बना था। ये तो बेसिक कोर फंडामेंटल है, मगर बहुत सारे चैनल्स जो हैं सिर्फ एक GoPro से भी बना लेते हैं, बट सिनेमाटोग्राफी वगैरह उसमें नहीं हो सकती। और फिर इनको एडिट मैं करता था एक MacBook Air पे और एक नॉर्मल सी हार्ड ड्राइव में, मगर अब मैं MacBook Pro यूज़ करता हूँ, जो कि बहुत हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन मशीन है, क्योंकि मेरे को Final Cut Pro यूज़ करना होता है, जो कि एक ज़बरदस्त पावरफुल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसकी कीमत थी 25,000। तो ये तो जी सिर्फ इक्विपमेंट की कीमत होगी, जो काम मेरे को करने के लिए और उस करे हुए काम को बना के आपको दिखाने के लिए चाहिए तकरीबन 15 लाख रुपये। बट मैं अपने पूरे एडिटिंग और फिल्मिंग गियर पे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या सब क्यों खरीदा और उसकी कहाँ जरूरत पड़ती है। मगर यहाँ से तो सिर्फ शुरुआत होती है जी एक ट्रैवल चैनल की, क्योंकि अब तो शुरुआत होगी असली खर्चों की, जब मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे, तब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा कि लॉस 30 लाख तक कैसे चला गया भाई जी। बट उन चीज़ों पर जाने से पहले आपको ये दिखा दूं कि जगह थोड़ी सी एक्चुअली है कैसी। ये एक लेक है मेरे घर के बिल्कुल बगल में, एक्चुअली दूसरी साइड, और यहाँ पे ये लोगों ने अपने ये प्राइवेट बना रखे होते हैं, इनके ऊपर मैं जा नहीं सकता। और ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये घर है जहाँ से बाबूजी के घर से जो है सीढ़ियाँ लकड़ की उन्होंने बना रखी हैं, सीधा नीचे आने के लिए अपना ये लेक में जा सकते हैं। यहाँ इनकी कश्तियाँ पड़ी हुई हैं, पॉन्टॉन पड़े होते हैं, वो जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, और जगह बड़ी ही सीरीन, वेरी ब्यूटिफुल, एक्सट्रीमली नाइस। अप्रैल की तारीख हो गई है 19, मगर यहाँ पे मौसम का कुछ नहीं कह सकते। आप देख रहे हैं स्नोफॉल किस तरीके से हो रही है, मैं तो सोचता था बारिश पड़ गई यार, आग कैसे जलाऊंगा, यहाँ तो स्नो पड़ गई है पूरी फायर प्लेस फिर स्नो के अंदर। बट एनीवेज अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। बाहर जो मैं आपको समझा के आया हूँ, वो जो आइसी रेन हो रही थी वो अब फुल स्नोफॉल में कन्वर्ट हो गई है। तो आगे मैटर को बढ़ाते हुए अब आपके लिए ये समझना ज़रूरी है खर्चे किस तरीके से होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल देना शुरू करता हूँ। इक्विपमेंट तो चलो आप 15 लाख साइड ही कर लो, ठीक है जी। अब ट्रैवल ब्लॉगिंग में सबसे पहले आ जाते हैं जी बहुत ही महंगी फ्लाइट टिकट्स लेनी पड़ती है। मैंने अब शुरुआत की थी स्विट्जरलैंड सीरीज से, 75,000 स्विट्जरलैंड 75,000। अब लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप ट्रिप तो भाई 75,000 और 1 लाख में कर रहे हो, तो फिर आप कैसे जो है लॉस में चले गए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को दिखाई नहीं देती, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जब मैंने स्विट्जरलैंड सीरीज करी तो मेरे से फैमिली, वो सोलो ट्रैवल थी, तो मेरे से फैमिली टूरिज्म के लोग पूछने लगे कि भाई हम कैसे जो है करेंगे, क्योंकि आप तो सिर्फ होस्टल्स दिखा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में बजट ट्रिप्स बनाता था। तो इसीलिए मेरे को अगली ट्रिप में जब मैं गया, जैसे कि आप मान लीजिए एम्स्टरडैम की जो मैंने सीरीज बनाई है, तो आई हैड टू गो टू अ होस्टल ऑल्सो फॉर बजट अकोमोडेशन, आई हैड टू गो टू अ होटल ऑल्सो। और 5 दिनों के अंदर 3 टाइप की अलग अलग अकोमोडेशन में जाना, पैकिंग अनपैकिंग करना, और यहाँ तक कि एयरबीएनबीज भी दिखाना ताकि फैमिलीज बेनिफिट ले सके। इन सब में एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड हो जाती है।
और जो आप सीरीज देखते हैं जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि 3 दिन में आप क्या कर सकते हैं, वो शूट करने के लिए मुझे 3 दिन नहीं, मुझे 6-7 दिन लग जाते हैं। कई बार बारिश पड़ जाती है, कई बार जो शूट करना होता है वो वेन्यू बंद होता है, और अलग अलग मूवमेंट मुझे करनी होती है। एंड ये मान के चलिए कि हाँ, आप लोग जब जाते हैं घूमने के लिए तो सुबह जाते हैं, शाम को घूम के वापस आ जाते हैं 4-5 चीज़ें देख के, बट मुझे तो 50 दिखानी है आपको ताकि आप चूज़ कर सकें कि आपने कौन सी लेनी है। इट्स लाइक आई हैव टू बाय टिकट्स फॉर एवरी रिक्रिएशन, एवरी म्यूजियम, शूट एज मच एज आई कैन, ताकि मैं एक ओवरऑल वीडियो बना सकूँ। फिर मेरे को एक एवरेज टूरिस्ट के मुकाबले एक शहर में डबल टाइम लगाना पड़ता है, जो आपको दिखता नहीं है। अब एम्स्टरडैम जैसे शहर को एग्जांपल मान लीजिए तो ये समझ आ जाएगा कि जहाँ आम लोग नज़ारे इंजॉय कर रहे होते हैं, मैं परफेक्ट शॉट्स ढूंढ रहा होता हूँ। फिर खुद देखने के साथ पूरी रिसर्च करने के बाद आपको वो जगह करेक्ट रेफरेंसेस और हिस्ट्री के साथ अपने व्लॉगिंग कैमरा से दिखाता हूँ, और उसके बाद व्लॉगिंग कैमरा नीचे रख के सिनेमैटिक गियर उठा के सिनेमैटिक शॉट्स लेता हूँ और खुद को रिकॉर्ड करता हूँ, इस उम्मीद में कि शायद 1 साल बाद आपको बताऊंगा कि कैसे मुझे एक नॉर्मल टूरिस्ट के कंपैरिजन में सब कुछ दिखाने के लिए 3 गुना ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। और ये सब मैं करता क्यों, वो आप मेरी 1 साल पहले रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में सुन लीजिए। अगर आप लोग कहें कि आप कितनी कंट्रीज घूमे हैं, तो उसका जवाब तो सिंपल यही है कि मैं घूमाऊंगा तकरीबन 25 के आसपास। बट बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, मैं 2-3 बार जहाँ पे गया हूँ सिर्फ काम करने के लिए या दोबारा शूट करने के लिए, जैसे कि इस ट्रिप पे पेरिस, एम्स्टरडैम, ब्रसल्स, गेंट, ब्रूज, हर जगह मैं पहले सब जगह जा चुका हूँ। बट इस बार क्योंकि मेरे को प्रॉपरली शूट करनी थी नए कैमरा से, तो मैं एक बार फिर से आया। बट अदरवाइज़ अगर मैं नए तरीके से प्लान करता, अगर मुझे शूट ना करनी होती, आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर ना करना होता, तो प्रॉब्ली मैं ईस्टर्न यूरोप में कहीं जाता। बट इस बार मैंने वो इग्नोर कर दिया। इस बार आई थॉट मेजर सिटीज़, गेट गुड वीडियोज़ आउट, मेक व्लॉग्स, मेक फुल सीरीज़, ताकि हर इंडियन जो इन बड़े शहरों में घूमने आए वो ट्रैवलिंग देसी की वीडियो देखे बिना ना आए, वो इतने इन्फॉर्मेटिव हो, इतनी यूज़फुल हो, इतनी हेल्पफुल हो। और बहुत खुशी होती है जब मुझे यहाँ पे लोग मिल जाते हैं और मुझे कहते हैं, एम्स्टरडैम में भी मुझे बहुत लोग मिले, पेरिस में भी सब्सक्राइबर्स जो मिलते हैं और कहते हैं योर वीडियोज़ वर रियली हेल्पफुल, दैट्स माई रिवॉर्ड। अदरवाइज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस चैनल से कितने पैसे आते हैं, अभी तक मैंने कितने कमाए हैं, तो ट्रस्ट मी गाइस, इतने भी नहीं कमाए हैं अभी तक। 1 साल पूरा होने वाला है, 15 जून को हो जाएगा, आज तो 30 मई है, 15 दिन में, तो मैंने 1 साल में इतने पैसे भी नहीं कमाए कि आई कुड पे फॉर ऑल ऑफ द इक्विपमेंट दैट आई यूज़। और इक्विपमेंट मेरी कौन सी है, कैमराज, माइक्स एंड एवरीथिंग, उसके लिए मैं आपको अलग से एक व्लॉग बना के बताऊँगा। और 1 साल की व्लॉगिंग तक, हाँ जी, मेरे इक्विपमेंट के पैसे भी नहीं आए थे। बट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्रैवल व्लॉगिंग, जो कि सबसे एक्सपेंसिव टाइप ऑफ व्लॉगिंग होती है, इसमें पहला 1 साल और पहले 2.5 लाख सब्सक्राइबर तक खुद खर्चे बेयर करना और यहाँ तक पहुँचना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा तीसरा मेन जो खर्चा है वो ये कि मेरे साथ जब भी कोई भी ट्रैवल करता है तो वो उसके सारे पैसे, हर एक्सपेंस मैं बेयर करता हूँ, इन एक्सेप्शन फॉर अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन, जिनसे से कभी चाय वाय पी ली तो उन्होंने पैसे दे दिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम बेयरिंग ऑल द एक्सपेंसेस। अब 2.5 लाख रुपये मेरे सिर्फ तभी खर्च हो गए थे जब मैं थाईलैंड गया था अभी पिछले ट्रिप पे, आदित्य जो मेरा कैमरा पर्सन था उसको लेके, एंड उसके और मेरे भाई दोनों के एंटायर एक्सपेंस आई बोर माई सेल्फ, क्योंकि भाई मैं अपने कमर्शियल यूज़ के लिए उन सबको लेके जा रहा था। ऐसे ही जब मैं मम्मी को लेके गया हूँ न्यूयॉर्क, तो अब वो 35,000 रुपये की एक टिकट थी, तो हम दोनों की वहाँ जाने की टिकट 70,000 रुपये की, उसके बाद कनाडा जाने की 15,000 रुपये की, 1 लाख रुपये ऐसे ही चले जाते हैं। और ये तो मैंने सिर्फ 2 ट्रिप्स का जिक्र किया है अभी आपके साथ, जो पूरी भी नहीं है। और अगर आपको याद हो तो मेरी 50 व्लॉग्स अबाउट लाइफ इन कनाडा सीरीज में हम एक घर में सब लीज पे मूव हो गए थे। अभी बहुत सामान बाकी है, और फिर इनको सेटल करने के खर्चे, वहाँ खाना पीना रहना, और $800 के हिसाब से रेंट, तो आप हिसाब लगा लीजिए। और ऐसा ही कुछ हिसाब है इस कॉटेज का जब मैं पेंडेमिक के चक्कर में फंसा हूँ और जिसकी बालकनी से ये वीडियो बन रही है। ऐसे कर करके लाखों में खर्चे पहुंच जाते हैं। और अगर आपको याद हो, कई मेरी ऐसी सीरीज है जो मैंने डाली ही नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेक्सिको सीरीज, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आई वॉज नॉट वेरी 100% कॉन्फिडेंट, और पोलैंड वाली सीरीज 1.5 लाख रुपये उसमें खर्च हो गए। तो इसीलिए ये वो सारे खर्चे हैं जो कई बार नोटिस में नहीं आते, मगर ये करने पड़ते हैं। बट एज आई एम टेलिंग यू अगैन, से यही चीज कह रहा हूं कि भाई जी, जरूरी नहीं है कि आप इतना खर्चा करें। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं सिर्फ एक गोप्रो लेके जगह भी दिखा देते हैं, अपने साथ बात करते हुए समझा भी सकते हैं, एंड या आई थिंक
दैट इज़ अ गुड स्टार्ट। बट मैंने कैसे शुरुआत करी थी वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक बेसिक कैमरा से। बट ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि आपने किस लेवल तक अपने चैनल को प्रोफेशनल लेके जाना है, करना है और क्या सीखना है, किस तरीके से बनाना है। कल स्नोफॉल हो रही थी, आज पूरी धूप खिली हुई है और जो फर्श पे धूप थी वो लगभग पिघल भी गई है, तो यहाँ मौसम का कुछ अता पता नहीं लगता। बट एनीवेज, इस वीडियो का पर्पस आप लोगों को डराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है या बहुत ज़्यादा एनीवेज, ये आप लोगों के ऊपर होता है कि आप कितना जो है इसके अंदर कैमरा गियर में इन्वेस्ट करेंगे या फिर टाइम और मेहनत इन्वेस्ट करेंगे। और रिजल्ट्स जो है क्वाइट फ्रेंकली कई बार मेहनत के हिसाब से नहीं भी मिलते। बट एनी काइंड ऑफ यूट्यूबिंग आपको पहले एक साल तो कुछ खास एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। बट मैं भी अपने जो मेरा पुराना बिजनेस था उसकी बाकी याद से और जो मेरी सेविंग्स वगैरह हैं उनको यूज़ करके एक क्वालिटी यूट्यूब चैनल बनाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। मगर ये भी समझना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि दिस इज़ ईजी पीस ऑफ केक दैट एनीवन कैन कम एंड पिकअप। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। मैंने आपको थोड़ा बहुत तो वीडियो में समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से बार बार कई चीज़ें करनी पड़ती हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। इसके अंदर पैसे तो चाहिए, टाइम भी चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप मान लीजिए जैसे अगर मैं कोई 10 दिन की शूटिंग करके आता हूँ तो उन 10 दिनों की शूटिंग को बाद में एडिट करने के लिए मेरे को पूरा एक महीना चाहिए होता है जब वो व्लॉग्स पोस्ट होते हैं। जिस लेवल की एडिटिंग मैं करता हूँ, ओब्वियसली अगेन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो जल्दी भी हो सकता है। मगर इस केस में ये भी चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि उन 30 दिनों में अगर मैं कनाडा में टैक्सी भी चला रहा होता ना यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, तो शायद ज़्यादा पैसे आ जाएं जो उन वीडियोज़ को पोस्ट करके आता है। तो शुरुआत में तो आपकी कॉस्ट भी नहीं निकलती, धीरे धीरे आपकी कॉस्ट निकलनी शुरू होती है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। बट ये है ना कि जो काम आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें मन लगता हो वो करें तो ग्रोथ जल्दी मिलती है। हो सकता है अपनी भी नैया पार लग जाए, बाकी आप लोगों का सपोर्ट तो है ही। तो जी, मैंने आपको मोटा मोटा ये तो समझा ही दिया है कि पैसों का आना जाना किस हिसाब से होता है, और आप चाहें तो सोशल ब्लेड पे देख भी सकते हैं कि यूट्यूबर्स की अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया लग ही जाता है इनकम रेवेन्यू का। मगर इस वीडियो को बनाने का हरगिज़ मतलब ये भी नहीं है कि मैं कहूँ जी बड़ा लॉस हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे दिस वॉज माई चॉइस। और मैं मुझे पता है कि भगवान की दया से मेरे को आप ये मान लीजिए कि 18 साल की उम्र से ही एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया था बिजनेस का। एंड इट इज़ वेरी फंडामेंटल टू एनी बिजनेस दैट इट वुड नीड सम काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो मेहनत हो, उसको शुरुआत करने के लिए, खड़ा करने के लिए। मगर क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है, धीरे धीरे चैनल ग्रो भी कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए गाड़ी चल रही है। तो और आई होप आप लोगों को वीडियो ये वाली पसंद आई हो और अच्छी और यूजफुल भी लगी हो। एंड इफ सो गाइस, प्लीज़ शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोज इन द टाइम डेज, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि जब मुझसे जो तीसरी मोस्ट डिमांडेड वीडियो है, मैं सोच रहा हूँ ये जो अभी नई मैंने सीरीज शुरू करी है वो स्टारलिंग देसी, इसमें बना दूँ एडिटिंग के ऊपर, क्योंकि एडिटिंग के कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स, वॉइस ओवर्स और म्यूज़िक सोर्सेज, और फाइनली वो कोर्स कौन सा है जिसमें कि मैं एडिटिंग की बात करता हूँ, सबको बताता हूँ अपने फ्रेंड्स को करने के लिए, वो सब एक एडिटिंग वाली वीडियो में बना देंगे। और जो 15 लाख हो गई है इक्विपमेंट की, उस पर भी वीडियो बना दें ताकि सबको भी पता लगे कि कौन सी है जो एक्चुअली यूज़ होती है और कौन सी थोड़ी बहुत वेस्ट हो गई है, क्या क्या गलतियाँ करी, ताकि आप लोग अगर कुछ शुरू करना चाहते हैं तो एटलीस्ट मेरी गलतियों से वो चीज़ें अवॉइड कर दें और अपने कुछ नुकसान बचा लें।